नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि बड़ी खबर, 20 आईपीएस के तबादले, 8 जिलों के एसपी बदले, नारायण टोग डीसीपी क्राइम जयपुर। राजस्थान में 20 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने शनिवार देर शाम आईपीएस की तबादला सूची जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा डेपुटेशन पर आईपीएस जोश मोहन को सीआईएसएफ में आईजी बनाने के बाद रिक्त हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर आईपीएस नवज्योति गोगाई को लगाया गया है। वहीं 8 जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रीट पेपर लीक, मास्टरमाइंड ने जेएन से की थी डील, 40 लाख में हुआ सौदा, इंटरनेट बंद होने से पहले ही नकल गिरोह के पास व्हाट्सएप पर पहुंचा पेपर। रीट पेपर लीक की प्लानिंग एग्जाम से 8 दिन पहले हो गई थी। मास्टरमाइंड भजनलाल ने जेएन पृथ्वीलाल मीना से व्हाट्सएप कॉल के जरिए पहले ही 40 लाख रुपए में डील कर ली थी। इसके बाद एग्जाम से 1 दिन पहले भजनलाल ने पेपर लीक कर दिया। भजनलाल पृथ्वीलाल को पहले से ही जानता था, वो पहले बाड़मेर में नौकरी कर चुका था और तभी से दोनों का एक दूसरे से संपर्क था। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, विकास जाखड़ के साथ हुई बात। कहा जा रहा है कि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अनशन पर हैं, किसी नेता से लिंक साबित हो तो मैं आंदोलन तुरंत छोड़ दूंगा, विकास जाखड़। सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट रहे विकास जाखड़ 6 साल पहले झारखंड में नक्सलियों से लोहा लिया था। अब भ्रष्टाचार से लोहा लेना जिंदगी का मिशन बना चुके हैं। नौकरी से इस्तीफा देकर आंदोलन अनशन कर रहे हैं। मांग ये है कि इनकी भर्तियों में फैला भ्रष्टाचार बंद हो। अनशन झुंझुनू जिले के अपने गाँव झाखड़ों का वास में 17 जनवरी से जारी है। तबीयत बिगड़ी तो विकास को झुंझुनू के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पर यहाँ भी अनशन जारी है। वे जो मुद्दे उठा रहे हैं उनके बारे में उनके विकास जाकर सीधी बातचीत हुई है और उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप नौकरी और छोड़कर, इसका सीधा सा कारण ये है कि आप राजनीति में आना चाहते हो। इस पर विकास जाकर ने कहा है कि अगर मेरा किसी भी नेता से लिंक है तो मैं तुरंत आंदोलन को छोड़ दूंगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि 3 महीने में 50,000 पदों पर बंपर भर्तियां, आर्मी, इंडियन को, ऑयल को लेकर और सरकारी विभागों में 11 सरकारी विभाग हैं, वहां वैकेंसी निकल चुकी है। 50,000 पदों पर ये बंपर भर्तियां होने जा रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद अच्छी खबर साबित हो चुकी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि गाय और गोशर के लिए किसी का वध भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, देवी सिंह भाटी। देवी सिंह भाटी का ईटीवी से मुलाकात हुई। इसी दौरान उन्होंने कहा कि गाय और गोशर के लिए मैं किसी का भी वध करने को तैयार हूँ। देवी सिंह भाटी ने यह कहा है। प्रदेश की सरकार की ओर से गोशर में पट्टे जारी करने के निर्णय के विरोध को लेकर बीकानेर में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी 13 जनवरी से अपने समर्थकों के साथ बीकानेर की नथानिया गोशर में धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि गाय और गोशर के लिए किसी का भी वध करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान कोरोना अपडेट को लेकर है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण बढ़ाई जा रहा है। शनिवार को 14,829 केस दर्ज किए गए हैं। वही राजधानी जयपुर में सबसे अधिक 3,988 नए मामले मिले हैं। जोधपुर में सबसे अधिक 5 मौतें हुई हैं। इसके अलावा जयपुर में 3, अजमेर और अलवर में, बाड़मेर में, भरतपुर में भी 1-1 मौतें हुई हैं। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दिल्ली वाले बेईमान, राजस्थान वाले भी पीछे नहीं। दिल्ली और राजस्थान वालों का बेईमानों का हुआ है गठबंधन, इसे कौन तोड़ेगा? बेनीवाल। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। बेनीवाल ने केंद्र और राजस्थान सरकार को बेईमान करार दिया है और क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता जताई है। उन्होंने एनडीए में लौटने की संभावना से इनकार कर दिया है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि रिमझिम बरसे बूंदी, कोहरे से मिली निजात। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आपको बता दें कि राज्य में शुक्रवार रात और शनिवार सुबह बारिश हुई। शनिवार को भी दिन भर बादल ही छाए रहे। कई कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। इधर आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में निजात मिल जाएगी, हालांकि कहीं भी कोहरे पड़ने की चेतावनी जारी रहेगी। ये थी राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के